इन अकाउंट्स टुडे वी आर टॉकिंग कंसाइनमेंट अकाउंट से। तो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट। तो इन केस ऑफ कंसाइनमेंट सो देयर आर टू पार्टीज। सो वन इज कॉल्ड कंसाइनर। So consignor is a seller of goods and second is a consignee. Consignee is an agent. So what happens in consignment? This consignor so sends goods to consignee. So which are to be sold. Two customers. So means what happens in consignment? तो एक किसने सेलर होता है जिसको हम कह रहे हैं कंसाइनर, तो वो गुड्स भेजता है कंसाइनी के पास, कंसाइनी जो उसका एजेंट है, तो उस एजेंट ने फिर आगे सेल करनी है कस्टमर्स को, तो उसको हमने नाम दिया है कंसाइनमेंट अकाउंट। कुछ मीन्स अब इसमें प्रोसेस क्या होता है, तो प्रोसेस देखते हैं इसका। तो एक पर्सन को हो गया कंसाइनर, कंसाइनर जिसको हम कह रहे हैं सेलर है गुड्स का। तो कंसाइनर ने गुड्स भेजी पहले, तो जिसे कार जो गुड्स सेंक, तो जिसको हम कहते हैं गुड्स भेज रहे हैं हम गुड्स सेंक, तो किसको भेज रहे हैं कंसाइनी को। इट मीन्स कंसाइनी विल रिसीव, कंसाइनी रिसीव्स द गुड्स। तो रिसीव करने के बाद अब जैसे वो उसको स्टोर करके अपने गोडाउन में, तो ये जो गुड्स होती हैं सो दीज आर केप्ट इन गोडाउन ऑफ कंसाइनी। तो वहां से फिर ये सेल करेगा अपने कस्टमर्स को, लेटर ऑन दीज आर सोल्ड टू कस्टमर्स। तो ये जो ट्रांजेक्शन हो रही हैं आपकी, गुड्स हम भेज रहे हैं पहले कंसाइनर से कंसाइनी को, कंसाइनी आगे सेल कर रहे हैं, इसको आपने रिकॉर्ड करना है बुक्स में। तो हमने दो बुक्स बनानी होती हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव इज वी हैव टू रिकॉर्ड सुगी के ट्रांजेक्शन। तो इन बुक्स ऑफ गो पर्सन की हम बुक्स बनाएंगे। नंबर वन बुक्स ऑफ कंसाइनर। अब कंसाइनर कौन है, वो को है सेलर, तो वो को मेन पर्सन है, तो कंसाइनर को प्रॉफिट होगा जब बुक्स की सेल होगी। तो कंसाइनर की जो बुक्स बना रहे हैं तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू गेट प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हो रहा है कंसाइनर को, तो वो आपने पिक्चर में करना है। और सेकेंड हम बनाएंगे कंसाइनर की बुक्स, उसके लिए देखते हैं कि अब आपकी किस तरीके से जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं दोनों की बुक्स में। तो पहले हम करेंगे कंसाइनर की बुक्स और किस तरीके से प्रॉफिट या लॉस उसका डिटरमिन होता है। तो राइट, तो फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं कंसाइनर बुक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग बुक्स ऑफ कंसाइनर। जैसे हमने देखा कि मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि कंसाइनर ने अपना प्रॉफिट या लॉस डिटरमिन करना है, ये जो कुछ हम सेल कर रहे हैं। तो अब आपके हम पहले हम डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्रीज। उसमें हम एक नया अकाउंट ओपन करते हैं, तो उसका नाम देखते हैं क्या है, न्यू अकाउंट। तो जैसे जब आप प्रॉफिट डिटरमिन करते हैं, हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, तो इसमें हमने एक अकाउंट का नाम रखा है, उसका नाम है कंसाइनमेंट अकाउंट। ये जो कंसाइनमेंट अकाउंट है जिससे ये सिमिलर टू ट्रेडिंग अकाउंट,
क्रेकिंग काउंट जैसे आपने किया है +1 में, तो क्रेकिंग काउंट के इसके फीचर देखते हैं क्या होते हैं। और इसमें दो साइड्स हैं आपकी, एक है आपकी गैबी साइड और एक है क्रैगी साइड। तो जैसे आपको आइडिया होगा क्रेकिंग काउंट में हम शो करते हैं टू ओपनिंग स्टॉक परचेजेज एक्सपेंसेज, उसमें गैबी साइड शो करती है कि जब गुड्स हमारी आ रही है बिजनेस में, गुड्स आर रिसीव्ड और उसके एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं आपके। क्रेडिट साइड में हम शो करते हैं क्रेडिट की बाय सेल बाय क्लोजिंग स्टॉक, इट मीन्स क्रेडिट साइड शो करती है जब गुड्स हम हमारी जा रही है बिजनेस से, गुड्स आर गोइंग फ्रॉम बिजनेस, इट मीन्स दिस इज सेल। और आप क्या आता है क्लोजिंग स्टॉक जो बच जाता है, तो उसके थ्रू फिर हम अपना प्रॉफिट डिटरमिन करते हैं। तो क्रेकिंग और पीएनएल भी बनाते हैं, पीएनएल में क्रेकिंग से निकलता है जीपी, फिर उसके जो एक्सपेंसिज हैं वो सारे डेबिट हो जाते हैं, तो फाइनली आपका नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट जो है जिसे सिमिलर टू क्रेकिंग अकाउंट, तो इससे हम ये डिटरमिन करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट का पर्पज है टू डिटरमिन प्रॉफिट और लॉस टू कंसाइनर। तो हम कंसाइनर को कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो ये जो प्रॉफिट या लॉस है सिर्फ इन्हीं गुड्स का है जो आपने कंसाइनर को भेजी है। तो जिसे जो फॉर गोल्ड गुड्स हो विच हैव बीन सेंट टू कंसाइनर मीन्स, ये भी हो सकता है कंसाइनर और भी कोई बिजनेस कर रहा है, अपने आप भी कुछ सेल कर रहा है, तो उसका प्रॉफिट हम इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। ये सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट जो है जो हम गुड्स कंसाइनिंग को भेजेंगे उसके थ्रू जो सेल होगी उसका प्रॉफिट हम डिटरमिन करेंगे। ठीक है जी, इसको स्टार्ट करते हैं कि एंट्रीज आपने कैसे रिकॉर्ड करनी है कंसाइनर की बुक में। तो हमने देखा है ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रही है कंसाइनर कंसाइन, तो बीच बीच में आप पोज करके नोट डाउन करके जाइए एंट्रीज। तो देखो हमारा जो इसका सीक्वेंस है, हमने देखा 1 इज अ कंसाइनर, कंसाइनर गुड्स आर सेंट, देन कंसाइनी रिसीव्स गुड्स, देन इट इज सोल्ड टू कस्टमर्स, तो उन्हीं गुड्स को फिर हम सेल कर रहे हैं कस्टमर्स को। तो रिसीव करके हम इसको स्टोर करते हैं, हम कहते हैं स्टोर या कैप्ट स्टोर इन गोडाउन और विच इज ऑल्सो कॉल्ड वेयर हाउस। क्योंकि हम गुड्स भेजते हैं कंसाइनर ने जो गुड्स भेजी है उसकी कॉस्ट हमें पता होती है, बट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, तो एक आपको ये आइटम दी होगी पोस्ट की होगी। तो पोस्ट आप कैसे निकाल सकते हैं, कई बार आपको क्वांटिटी भी मेंशन की होती है किलोग्राम्स में कि कितनी क्वांटिटी आपने देखी है, फिर उसकी कॉस्ट प्राइस आपको दी होगी पर यूनिट, फिर आपको चाहिए कॉस्ट प्राइस पर यूनिट। तो आप क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके उसकी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकती हैं। तो जब कंसाइनर गुड्स भेजता है कंसाइनिंग को उसके कुछ एक्सपेंसिज होते हैं, तो उसको हम कहते हैं दीज आर नॉर्मली देयर आर सम एक्सपेंसिज फॉर सेंडिंग गुड्स। तो ये जो एक्सपेंसिज होते हैं दीज आर इनकर्ड बाय कंसाइनर, ये कंसाइनर को पे करने पड़ते हैं, विच इज कॉल्ड इनकर्ड बाय कंसाइनर। तो मेनली किस टाइप के एक्सपेंसिज हैं, जैसे बाय रेल के थ्रू गुड्स जा रही हैं, बाय ट्रक्स के थ्रू जा रही हैं, जो भी फ्रेट आपने पे करना है। फिर गुड्स की इंश्योरेंस भी होती है, जैसे इसको देखें जब हम गुड्स जा रही हैं कंसाइनर से कंसाइनिंग को, गुड्स जो है वो ट्रांजिट में चल रही हैं, तो हमारे कुछ इंश्योरेंस भी आपको करवानी पड़ती है, कोई पैकिंग आपको करनी पड़ती है, तो कोई टैक्सी आपको जैसे टोल टैक्सी हैं वो आपको पे करने पड़ गए हैं, वो सारे एक्सपेंसिज आ जाएंगे विच आर इंकर्ड बाय कंसाइनर। अब कंसाइनी ने गुड्स की डिलीवरी ले ली है, रिसीव करनी है, अब वो उसको गोदाम में स्टोर करके है,
इट मीन्स कई बार वो गोडाउन होता है तो वहां से ले जाने के भी उनके एक्सपेंसिव पड़ते हैं, तो कंसाइनी को भी एक्सपेंसिव इनकर करने पड़ते हैं, कंसाइनी एक्सपेंसिव। और इसके 2 तरह के एक्सपेंसिव होते हैं, एक को गुड्स को अपने गोडाउन तक ले जाने के, इट मीन्स एक्सपेंसिव टू इनकर अपटू, जैसे गोडाउन। इसमें वही याद रखें हैं, कंसाइनिंग को भी जैसे फ्रेट पे करना पड़ता है एक्सेट्रा। फिर एक एक्सपेंसिव होते हैं जब गोडाउन में गुड्स स्टोर रखी हैं, गोडाउन के जो एक्सपेंसिव हैं तो उनको कहते हैं स्टोरेज और गोडाउन एक्सपेंसिव। जैसे गोडाउन का रेंट आप पे कर रहे हैं, गोदाम का रैंक हो सकता है, और वहां पर आपने कुछ स्टाफ रखा है उनको सैलरी पे कर रहे हैं आप गोदाम के स्टाफ को, आपने गोदाम की इंश्योरेंस करवाई है तो उसके भी आपको चार्जेस पे करने हैं, जैसे इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है। तो ये हमारी ट्रांजेक्शन है जो हम रिकॉर्ड करेंगे। तो देखते हैं अब एक और पॉइंट भी आता है। अब आपने सोच चलो क्वान्टिटी देगी गुस्ती 1,000 यूनिट्स, अब जरूरी नहीं है कि कंसाइनी ने सारी सारी सेल कर गई, कुछ कुछ हमारे स्टॉक में भी रह जाती है, तो इसमें वो बन जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो लेगेसी हाउ टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, तो हम बना रहे हैं कंसाइनर की बुक्स। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन होती है आपके गुड्स, तो गुड्स सेंट, तो इसका नाम है जब कंसाइनर गुड्स भेज रहा है कंसाइनिंग को, इसको कहते हैं गुड्स सेंड को होने कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट के लिए आपने गुड्स भेजी है, तो आपने क्या एंट्री करनी है, हम गुड्स भेज रहे हैं कंसाइनिंग को पर उसको डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि वो बायर नहीं है, वो सिर्फ हमारा एजेंट है, तो हम इसमें डेबिट करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट, एक नया अकाउंट जो हमने ओपन किया है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड, और उसका नाम रखेंगे हम टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। तो आप शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं GSOC, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। तो यहाँ पर हम शो करेंगे कॉस्ट प्राइस जो आपने गुड्स भेजी है, कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सेंड, तो वो आपने यहाँ पर शो करना है अमाउंट। अब इन गुड्स को भेजने के लिए कंसाइनर ने कुछ एक्सपेंसिव इनकर किए हैं, सेकंड जो ट्रांजेक्शन है आपकी एक्सपेंसिव इनकर जो बाय कंसाइनर। जो एक्सपेंसिव है हमने देखा तो ये ट्रेकिंग अकाउंट की तरह पर्पज सर्व कर रहे हैं, तो ये जो कंसाइनमेंट का बिजनेस है समझो उसके लिए ये परचेज हो गए, हम करते हैं ना ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, तो ये समझो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू परचेज, ये उस बिजनेस के लिए परचेज है, कंसाइनमेंट का वो बिजनेस है। तो जब एक्सपेंसिव होते हैं एंट्री होती है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू एक्सपेंस अकाउंट, पर आपने एक्सपेंस इनकर किया है कंसाइनर ने कैश पे किया है, इनकर मीन्स पेड बाय कंसाइनर। उसकी भी एंट्री हो जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड, पर आपने एक्सपेंसिव पे करने के लिए कैश पे कर दिया है वो कैश अकाउंट, या यदि आप बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट। तो ये जो भी एक्सपेंसिव होते हैं गुड्स को भेजने के लिए हम कर रहे हैं एक तरीके से परचेज है, तो उसको हम कहते हैं ये कंसाइनर के डायरेक्ट एक्सपेंसिव माने जाते हैं, तो दी जा रही है डायरेक्ट एक्सपेंसिव। तो डायरेक्ट एक्सपेंसिव होते हैं वो हमारी कोस्ट में ऐड हो जाते हैं जो गुड्स आपने परचेज किए हैं, तो एक तरीके से ये हमारी कोस्ट में ऐड हो जाएंगे। अब अच्छा गुड्स चले आपने भेजी कंसाइनी को डिलीवरी लेनी है गुड्स की, अब कंसाइनी जो डिलीवरी लेकर है उसके लिए वो भी कुछ एक्सपेंसिव इंकर करके हैं। तो थर्ड जो ट्रांजेक्शन है गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी, कंसाइनी को गुड्स रिसीव हो गई हैं एंड एक्सपेंसिव इनकर्ड,
आप उसमें एक्सपेंसिव इनकर कर गई हैं, कुछ एक्सपेंसिव इनकर। तो एंट्री सेम है, एक तो अब कंसाइनिंग एक्सपेंसिव गो करेंगे हैं, एक हमने देखा जब वो ट्रांसपोर्ट करेगा गुड्स अपने फैक्ट्री का गोडाउन का, वो को बन गई उसके डायरेक्ट एक्सपेंसिव। तो डायरेक्ट एक्सपेंसिव का एक और नाम भी होते हैं, इसको हम कहते हैं नॉन रेकरिंग एक्सपेंसिव। ये होते हैं जो एक ही बार होते हैं, बार बार नहीं होंगे। जैसे गुड्स आप जब डिलीवरी ले रहे हैं सिर्फ उसी टाइम पे करने हैं फ्रेट। अब जैसे गोडाउन का रेंट पे करोगे वो हर महीने पे करोगे, वो होते हैं रेकरिंग एक्सपेंसिव, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव। ये होते हैं जो हर महीने या बार बार अराइव होते हैं रेकरिंग। ये वही कर्म्स हैं जो आपने प्लस वन में भी की होंगी फाइनल अकाउंट में। अब देखो गुड्स रिसीव हो गई और एक्सपेंसिव इनकर हो गई हैं, बट ये भी एक्सपेंस कंसाइनर का ही माना जाएगा, बट पेमेंट किसने किया कंसाइनी ने, तो कंसाइनर अपनी बुक्स में डेबिट करेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। और जो एक्सपेंसिव के लिए कैश पे किया है वो पे किया कंसाइनी ने, तो समझो उतना कैश हमारा जीरो हो गया है कू कंसाइनी को, आप कर दीजिए कू कंसाइनी अकाउंट। तो दिस इज योर फोर एक्सपेंसिव विच आर इंकर्ड बाय कंसाइनी। कुकिंग ट्रांजेक्शन होगी, कंसाइनी को गुड्स मिल गई, अब कंसाइनी क्या करके है अल्टीमेटली गुड्स सेल करके है अपने कस्टमर्स को, तो उसकी ट्रांजेक्शन देखते हैं एंट्री। तो फोर थी गुड्स आर सोल्ड बाय कंसाइनी। तो समझो ये अब कंसाइनी ने सेल की है कंसाइनर के बिहाफ पर, कंसाइनी को सिर्फ एजेंट है, तो ये कंसाइनर की सेल मानी जाएगी। तो जब सेल होती है उसकी क्या एंट्रीज होती हैं, अब ये कंसाइनी ने की है, जो भी कैश मिला होगा वो कंसाइनी को मिला होगा, तो हम अपने बुक्स में गैदर करते हैं कंसाइनी अकाउंट गैदर के, कंसाइनी अकाउंट गैदर के। तो जैसे आपको उसका नाम दिया होगा उसका नाम आ जाएगा, और ये हमारी सेल मानी जाएगी। तो सेल क्रैकिंग कॉफी है क्रेकिंग अकाउंट में, क्रेकिंग अकाउंट का नाम है इसमें कंसाइनमेंट अकाउंट, तो आप कर दीजिए क्रैकिंग कंसाइनमेंट अकाउंट में। तो सेल्स आपकी गो करेंगी हो सकती है, कैश सेल भी हो सकती है आपकी, या क्रैकिंग सेल भी हो सकती है। तो दोनों सेल्स आपकी यहाँ पर आ जाएंगी, कंसाइनिंग से समझो हमारी मनी ड्यू हो गई है और हमारी सेल हो गई है। फिर कहा क्या है अभी, अब इस पर्पस के लिए जब कंसाइनी सेल कर रहा है सारा बिजनेस कर रहा है कंसाइनर के बिहाफ पर, हम उसको कमीशन पे करते हैं। तो अब कमीशन जो है वो ड्यू हो जाएगी, पहले कमीशन एक ड्यू टू कंसाइनी। तो कमीशन किस पर कैलकुलेट होती है, जो परसेंटेज ऑफ कमीशन ड्यू होगी आपको ऑफ जितनी सेल है आपकी। तो सेल्स हम लेते हैं नॉर्मली पर्पल, जैसे ये कि क्वेश्चन साइलेंट है तो पर्पल सेल, ये आपकी है कमीशनिंग ड्यू टू कंसाइनिंग, तो उसकी एंट्री बन जाएगी। तो ये भी हमारा एक्सपेंस है तो कंसाइनमेंट को डेबिट करो आप, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। और ये कमीशन हमने पे करनी है कंसाइनिंग को टू कंसाइनिंग, उतनी जितनी सेल्स की है कंसाइनी ने इनको परसेंट ऑफ कमीशन आ गया। अब आते हैं जो कमीशन है, ये दो तरह की चलती है नॉर्मली, तो वो देखते हैं। सो इट इज ऑफ जनरली ऑफ टू टाइप्स, तो एक होती है आपकी नॉर्मल कमीशन, ये कोई इसी तरीके से कैलकुलेट हो जाएगी। और एक हम उसको पे करके हैं गेल क्रेगरे कमीशन, उसका नाम है गेल क्रेगरे कमीशन। तो मेन है कि ये हम क्यों पे करके हैं, तो कई बार होता है कंसाइनी जो है वो क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं,
क्रेडिट सेल में रिस्क हो गया है बैड डेट्स का, जो कस्टमर है वो पैसे नहीं पे करके आ गई बार, तो वो बैड डेट्स बन जाते हैं। तो जब हम गैलफ्रेक्चर कमीशन देखते हैं कंसाइनी को, तो उस केस में जो भी बैड डेट्स होंगे कंसाइनी के, वो कंसाइनी बियर करेगा। तो मीन्स इन दिस केस बैड डेट्स विल बी बोर्न बाय कंसाइनी। ठीक है, तो इट मीन्स अब ये जिस नोट एक्सटेंस हो कंसाइनर, अब ये कंसाइनर का एक्सटेंस नहीं बनेगा, जिस नोट एक्सटेंस ऑफ कंसाइनर। पर जब आप सिर्फ नॉर्मल कमीशन देते हैं, तो उस केस में जो बैड डेट्स होते हैं ये कंसाइनर को बियर करने पड़ते हैं। बैड डेट्स वो भी बोर्न बाय कंसाइनर। इट मीन्स जिसे जो एक्सपेंस हो कंसाइनर, तो इसको फिर कंसाइनर अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा, एक्सपेंस हो कंसाइनर। तो देखते हैं अब इनकी एंट्रीज कैसे होती है। जब आप बैड डेट्स, इसमें तो ठीक है, बैड डेट्स विल बी बोर्न बाय कंसाइनी, नो एक्सपेंस हो कंसाइनर, तो इट मीन्स इसकी तो कोई हम रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, तो नो एंट्री इन बुक्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर की बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि हमने को कमीशन देगी उसको। तो अब देखते हैं सेकंड केस है, जब बैड डेट्स बियर होते हैं, सिर्फ टू एंट्री इज बैड डेट्स बोर्न बाय कंसाइनर, जब कंसाइनर को बियर करने पड़ते हैं। तो इट मीन्स हम सिर्फ कंसाइनर को नॉर्मल कमीशन पे कर रहे हैं। एक्सपेंस है तो आप डेबिट कर दो कंसाइनर के अकाउंट में, कंसाइनर का अकाउंट डेबिट कर दो, और टू बैक डेट्स अकाउंट, और ये आपके हो गए बैक डेट्स। क्योंकि जब सेल होगी क्रेडिट कर आपने, वो सारी सारी सेल आपने क्रेडिट करके की कंसाइनमेंट अकाउंट पे, अब उसमें से कुछ मैंने रिकवर नहीं होगी बैगेज में, वो आप डेबिट कर दो। तो ये नॉर्मल एंट्री है आपकी। अब आता है कि आपकी कमीशन ड्यू हो गई, सेल भी करके सब कुछ हो गया है, अब हमने पेमेंट रिसीव करनी है कंसाइनी से, क्योंकि सारा पैसा कंसाइनी कलेक्ट करके अपने कस्टमर से। कई बार होता है कंसाइनी से हम कुछ एडवांस भी ले लेते हैं, तो इफ एडवांस हैज बीन रिसीव्ड, देखिए आपने कोई एडवांस लिया है फ्रॉम कंसाइनी से, उसकी नॉर्मल एंट्री, आपको कैश मिला होगा या बैंक के थ्रू पेमेंट आई होगी। कई बार होता है कि हम कंसाइनी के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर रहे हैं, जिसका नाम होता है बिल रिसीवेबल, फिर आपको बिल रिसीवेबल मिल जाएगा, अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनिंग अकाउंट, और कंसाइनिंग अकाउंट का आपको क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है, ये को मिल गया एक मास। अब आते हैं फाइनल पेमेंट, आपको मिल जाएगी कंसाइनिंग के, तो एक एंट्री है आपकी फाइनल पेमेंट को रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनिंग। उसकी क्या एंट्री होगी, उसके भी नॉर्मल एंट्री यही है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनिंग अकाउंट टू फाइनल डे में। और ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं फाइनल डे में, इसके लिए कंसाइनी आपको ना एक स्टेटमेंट भेजता है, कंसाइनी सेंस एक स्टेट है, उसका नाम है सेंस अकाउंट सेल। मीन्स वो एक सेल का अकाउंट बनाकर हमें भेजेगा, तो उसका परफॉर्मा देखें कैसे होगा, तो उससे हमें पता लगता है कि कितना बैलेंस है, ये है जो आपका बैलेंस ड्यू है कंसाइनी से, तो वो आपको रिसीव हो जाएगा। तो
लेके से ये कैसे कैलकुलेशन करेंगे हम, व्हाट इज अकाउंट सेल्स। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट होती है कि कितना अकाउंट सेल्स शो करके अमाउंट जो है कितना ड्यू है बाय कंसाइनी की तरफ से, कंसाइनर को। उसमें हम सबसे पहले लिखे हैं सेल्स आपने कितनी की, सेल्स मेड बाय कंसाइनी। राइट, अब इट मीन्स ये मनी कंसाइनी के पास आ गई है। अब उसमें से ना वो लेस कर देगा जो उसने एक्सपेंसि किए कंसाइनी में, क्योंकि वो उसे रिकवर करनी है कंसाइनर से एक्सपेंसिज इनकर्ड बाय कंसाइनी। राइट, इसको आप लेस कर लीजिए। लेस कंसाइनी ने कुछ पहले एडवांस दिया हुआ है, वो भी वो अपना एडजस्ट करकेगा एडवांस आर्डर की पेड बाय कंसाइनी। फिर कंसाइनी ने इसमें जो अपनी कमीशन भी रखनी है, तो कमीशन कितनी है उसकी, कमीशन ऑफ कंसाइनी, ये मनी उसकी ड्यू है, ये भी वो लेस कर देगा। अच्छा, ये कि अब उसको गैलक्रेगरी कमीशन नहीं मिल रही है, तो उसको बैगेज जो होंगे वो भी उसने कंसाइनर को डाल देने हैं, तो वो भी पैसा नहीं मिलेगा, तो लेस कर देगा फिर वो बैगेज। ये तभी आते हैं जो कंसाइनर ने बियर करने हैं, बोर्न बाय कंसाइनर। और ये तब होते हैं जब उसको गैल क्रेडिट कमीशन नहीं मिलेगी, तो ये लेस कर दो आप, तो समझो बैलेंस आपका आ गया जो उसका ड्यू है, तो बैलेंस अमाउंट के लिए ड्यू। क्योंकि कंसाइनी क्या है, वो एक एजेंट है ना, एजेंट ने सेल करी कंसाइनर के बिहाफ पर, उसमें से जो जो उसने एक्सपेंस किया या ऑलरेडी पेमेंट करके एडवांस की या कमीशन लेनी है या जो बैगेज की रिकवरी करनी है, वो एडजस्ट करके बाकी पैसे उसने वापस करने हैं कंसाइनर को, उसको कहते हैं बैलेंस अमाउंट ड्यू टू कंसाइनर। तो वो कंसाइनर को ड्यू है, तो उसकी फिर हमने ये एंट्री कर दी है, तो उतना ही अमाउंट अब वो भेजेगा हमें जब रिसीव होगा कंसाइनर को, बैंक टू कंसाइनिंग एक बैलेंस ड्यू। अब आके एक और पॉइंट, लास्ट पॉइंट रखा है, पेमेंट आ गई आपको, अब कुछ स्टॉक बच गया है कंसाइनिंग के पास, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे और उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, नाइन्थ ट्रांजेक्शन। तो पहले देखते हैं एंट्री कैसे होती है, नाइन्थ है तो गुड्स एज अनसोल्ड लेफ्ट विद कंसाइनिंग, कुछ गुड्स रह गई हैं कंसाइनिंग के पास बट ये कंसाइनर का ही स्टॉक माना जाएगा। एक इज, इसको हम कहते हैं एक इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंसाइनर। तो क्लोजिंग स्टॉक को आप कहाँ शो करके हो, क्रेडिट अकाउंट में, क्रेडिट साइड में, जिस तरह का एंट्री बन जाती है बाय क्लोजिंग स्टॉक, उसकी जनरल एंट्री बनेगी क्लोजिंग स्टॉक टू क्रेडिट अकाउंट, यहाँ भी ऐसी बनेगी। अब इसका स्टॉक का नाम हमने रख दिया कंसाइनमेंट स्टॉक, क्योंकि ये सारा बिजनेस कंसाइनमेंट से रिलेटेड है, ये उसी का स्टॉक है, तो आप एंट्री कीजिए कंसाइनमेंट के स्टॉक। स्टॉक को इन्वेंट्री भी कहते हैं, आप इन्वेंट्री भी लिख सकते हैं या स्टॉक भी लिख सकते हैं। अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिट अकाउंट, उसका नाम है कंसाइनमेंट अकाउंट। और स्टॉक को हमेशा हम वैल्यू करते हैं एट कॉस्ट के ऊपर, या फिर एक हमने रूल किया था लास्ट टाइम इन्वेंट्री वैल्यूएशन में, एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, तो नॉर्मली कॉस्ट की हमारी लेस चलती है, तो इसलिए कॉस्ट के ऊपर इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अब देखते हैं मेन पॉइंट क्या है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी कॉस्ट हम कैसे डिटरमिन करेंगे, वो पॉइंट है बाप। तो लेट अस सी डेट वन, तो ये कंसाइनर की बुक चल रही है,
नेक्स्ट वी आर डूइंग, इसका फॉर्मूला जो हो कैसे होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक उसको आपने वैल्यू करना है कॉस्ट के ऊपर, और कॉस्ट में हम डायरेक्ट एक्सपेंसिव भी कंसीडर करते हैं। तो आपने कैसे क्या क्या लेना है, तो वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू, सबसे पहले आप लीजिए कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स विच आर अनसोल्ड, जैसे आपने 1000 यूनिट भेजे, 200 यूनिट आपके अनसोल्ड रहेंगे, तो 200 यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। फिर आपने इसमें ऐड करनी है, अब जो कंसाइनर के एक्सपेंसिव हुए थे, फ्रेट था और टैक्सी थे, कोल टैक्स था, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसिव होते हैं, तो उसका कितना प्रपोर्शन बन गया है वो भी ऐड कर दो। उसको लिखेंगे हम ऐड प्रपोर्शनेट कंसाइनर एक्सपेंसिव, तो कंसाइनर के सारे ही डायरेक्ट माने जाते हैं। अब कंसाइनी ने भी फिर एक्सपेंसिव इनकर किए थे, कंसाइनी के दो तरह के एक्सपेंसिव हैं, डायरेक्ट भी हैं इनडायरेक्ट भी, तो हमने सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसिव ऐड करने हैं कंसाइनी के, तो आप ऐड कर लीजिए प्रपोर्शनेट तो डायरेक्ट एक्सपेंसिव ऑफ कंसाइनी, ये हम लेंगे सिर्फ कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंसिव होंगे, तो कंसाइनर के सभी कंसाइनी के सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसिव आपको लेने हैं, और कंसाइनर के सारे ही डायरेक्ट माने जाते हैं। और देखिए क्वेश्चन साइलेंट है, कंसाइनी के कौन से एक्सपेंसिव हैं ये मेंशन नहीं किया है, तो वो सारे ही इनडायरेक्ट माने जाते हैं, वो मैं लिख देता हूँ पॉइंट। तो इस तरीके से आपकी ये स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कोई पॉइंट लिखते हैं हम, इट मीन्स इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो अबाउट टाइप ऑफ एक्सपेंसिव तो इनकर्ड बाय कंसाइनी, जो इनकर किए हैं कंसाइनी ने, तो देन इट इज एज्यूम्ड दैट, तो फिर हम एज्यूम करते हैं इट इज एज्यूम्ड दैट, सो ऑल कंसाइनी एक्सपेंसिज, जो भी कंसाइनी जो एक्सपेंसिज हैं सभी के सभी, ऑल कंसाइनी एक्सपेंसिज तो गे आर इनडायरेक्ट, वो सारे इनडायरेक्ट माने जाएंगे। तो इनडायरेक्ट मीन्स फिर वो स्टॉक की वैल्यू में ऐड नहीं हो गया आपके, ठीक है जी। ये हमने जनरल एंट्री जिससे कि अब इसके बेस पे देखते हैं, कंसाइनर की बुक्स हम कर रहे हैं, उसमें का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, तो देखते हैं। तो आप पोस्ट करके नोट डाउन कीजिए, अब प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट, जिसका नाम है जिसे ट्रेडिंग अकाउंट, और उसको हमने नाम दिया है यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट। तो देखते हैं परफॉर्मा, जो एंट्रीज किए ना उसी से सारा परफॉर्मा बन गया बस, आपका वही एंट्रीज हम रिकॉर्ड करेंगे। तो वो सबसे पहले कंसाइनर ने गुड्स भेजी कंसाइनी को, एंट्री की हमने कंसाइनमेंट अकाउंट जारी की, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, अच्छा कई बार होता है कंसाइनी को गुड्स भेजी कुछ उसको पसंद नहीं आई, उसने वापस देगी, वो आप लेस कर दो, लेस यहीं से रिकरेंस या फिर दी होगी क्वेश्चन में बाय कंसाइनी, जो कंसाइनी ने वापस कर दी, तो ये आपकी नेट गुड्स आ जाएंगे। तो आप लिख सकते हो इनर कॉलम में, तो नेट आपकी ये गुड्स आ गई जो हमने भेजी है। फिर हमने सेकंड एंट्री की कंसाइनर ने एक्सपेंसिव इनकर करने हैं, उसकी एंट्री की कंसाइनमेंट टू कैश या बैंक अकाउंट, जिसे जो कंसाइनर एक्सपेंसिव,
राइट, फिर कंसाइनी को बुक्स रिसीव हो गई हैं, उसने एक्सपेंसिज इनकर किए, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी दोनों आएंगे। उसको हमने एंट्री की थी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी अकाउंट, तो आप उसको लिखिए कंसाइनी के नाम से, टू कंसाइनी अकाउंट। तो ये है कंसाइनी के एक्सपेंसिज, ये कंसाइनी एक्सपेंसिज, और कौन कौन से हैं दोनों ही आपने शो करने हैं, डायरेक्ट भी आ जाएंगे और इनडायरेक्ट, राइट। अब कंसाइनी ने सेल कर दी, फिर हमने एंट्री की कि कंसाइनी से मनी ड्यू हो गई है, तो एंट्री की कंसाइनी टू कंसाइनमेंट, किसको डाल दो बाय कंसाइनी अकाउंट, राइट। कैश सेल्स है, कैश वाली भी आ जाएगी, दोनों ही आएंगी आपकी, प्लस क्रेडिट सेल, तो टोटल आप मेंशन कर सकते हैं। अब आता है सेल्स के ऊपर, आपने कंसाइनी को कमीशन पे करनी है, और कुछ हमारे बैग गैस भी लाते हैं, तो उसकी एंट्री की थी कि बैग गैस से वो कंसाइनर बियर करके है, क्या एंट्री की आपकी जो कमीशन देनी है कंसाइनमेंट अकाउंट कहते थे टू कंसाइनी अकाउंट, तो इसी के अंदर लिखते जाओ आप, एक्सपेंसिज आ गई उसकी और उसकी कमीशन आ जाएगी कंसाइनिंग कमीशन, राइट। जो बैगेस हो गए उसके एंट्री है कंसाइनमेंट टू बैगेस अकाउंट, जो कंसाइनर ने बियर करनी है, तो इस तरीके से सारे एक्सपेंसिज आपके डेबिट हो गई हैं। फिर हमने देखना है साल का कैसे एंड हो जाएगा, या कितना स्टॉक बचा है अनसोल्ड स्टॉक, उसकी एंट्री मैंने की है बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, या उसका नाम था कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, और लिखिए बाय कंसाइनमेंट टू स्टॉक, जिसकी खबर है क्लोजिंग स्टॉक, उसमें जो एडवांस मिला हमें कंसाइनी से वो एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि उसकी एंट्री की बैंक को कंसाइनी, उसमें कंसाइनमेंट का कहीं नाम नहीं है, और जो फाइनल पेमेंट मिलेगी उसकी एंट्री भी आई है बैंक को कंसाइनी, उसमें भी कंसाइनमेंट का कहीं नाम नहीं है, वो भी इसमें नहीं आएगी, इसमें जो पेमेंट है ना आपकी कंसाइनी के वो नहीं आएगी, वो पर्सनल ट्रांजेक्शन है कंसाइनमेंट को। अब क्रेडिट का टोटल कीजिए, उसमें से माइनस कीजिए डेबिट, आपका आ जाएगा प्रॉफिट कंसाइनमेंट का, और इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं पी एंड एल अकाउंट में, प्रॉफिट है जो लॉस है जिसे जबर हो प्रॉफिट, और ये जब भी सही जाता है तो लॉस आ जाएगा। तो ये था मेन कंसाइनर की बुक, तो फर्स्ट लेट सी वन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करते हैं फिर आपको क्लियर होगा। तो मेन एग्जाम में क्या आता है, जनरल एंट्रीज को काम आती है, आपको लेजर बनाना होगा डायरेक्ट कि कंसाइनर का प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो लेट मी लेट अस गो इलस्ट्रेशन नंबर वन है, तो आपका जो स्टडी मटेरियल है वो इसी की है ये, तो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ ब्रीफली, तो दिस इज अवर इलस्ट्रेशन नंबर वन और पेज नंबर है आपका 6.47। उसने आपको मेंशन किया है एक्स सेंक ऑन 1 जुलाई 2016 टू वाई गुड्स क्वेश्चन 50,000, तो एक पर्सन है एक्स, सो ऑन 1 जुलाई उसने गुड्स भेजी है, गुड्स सेंक सो कॉस्ट इज गिवन कॉस्टिंग रुपीज 50,000 एंड स्पेंट 1,000 ऑन पैकिंग, और एक्स ने ही स्पेंट किया है रुपीज 1,000 ऑन पैकिंग बुक्स को भेजने के लिए, सो ऑन 3 जुलाई वाई रिसीव बुक्स, जैसे 1 जुलाई तो ये बुक्स भेजी हमने वाई को, ऑन 3 जुलाई बुक्स रिसीव हो गई है,
राइट एंगल द गुड्स एंगल थैंक ही एक्सेप्टेंस टू एक्स फॉर 30,000 पेबल एट 3 months। और उसने एक एक्सेप्टेंस मतलब है बिल इशू कर दिया है एक्स के पेपर में, उसको उन्होंने लिखा है सेंड टू एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस होती है बिल्स पेबल फॉर रुपीज 30,000। तो ये एक तरीके से उसने एडवांस पेमेंट की है कंसाइनर को, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कंसाइनर इतनी वैल्यू की गुड्स भेज रहा है तो उसको कुछ श्योरिटी चाहिए सिक्योरिटी, तो वो उसके लिए उसने बिल इशू कर गया 30,000। और ये जो बिल है आपका जिसे जो पेबल आफ्टर 3 months उसकी पेमेंट इटमीन्स ये इसकी मेच्योरिटी डेट है 3 महीने की। वाई स्पेंट 2,000 ऑन फ्रेट एंड कार्पेट। अब वाई ने कुछ एक्सपेंसिज इनकर किए हैं फ्रेट एंड कार्पेट, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है कंसाइनिंग का जिसे जो 2,000। एंड देन गोडाउन एक्सपेंसिज है, गोडाउन का रेंट है गोडाउन रेंट जिसे जो 500। तो ये जो कंसाइनिंग है ये एक्सपेंसिज इनकर कर रहा है। एंड इंश्योरेंस, तो एक उसने इंश्योरेंस करवाई है गोडाउन की एंड गेट इज 300। सो ऑन 31 दिसंबर ही सेंट हिज अकाउंट से, अब उसने अपना ईयर क्लोज कर लिया है दिसंबर 31 की, और उसने स्टेटमेंट भेज दिया अकाउंट टू सेल, जिससे आपको पता लगता है कितनी सेल की है कंसाइनी ने कितनी अनसोल्ड है। तो एक एक मेंशन गया तो अकाउंट सेल्स अलोंग विद अमाउंट जो शोइंग है कि 4/5 गुड्स हैव बीन सोल्ड, तो 4/5 जो गुड्स हैं वो आपकी सेल हो गई है गुड्स सोल्ड, इतनी जो टोटल गुड्स मिली थी उसका 4/5 उसने सेल कर दी है। एंड सेल प्राइस भी है 4 rupees 55,000। तो वाई इज एंटाइटल टू कमीशन 10%, तो वाई को कमीशन मिलेगी 10%। वो नॉर्मल कमीशन है इफ यू नॉट मेंशन गैल करेंगे ऐसा कुछ बैगेस है। अब वन ऑफ द कस्टमर से करेंगे इनसोल्वेंट एंड कुड नॉट पे 600 ड्यू फ्रॉम हिम, और एक कस्टमर ने पैसे नहीं दिए हैं तो मीन्स वो बैगेस हो गए हैं गैट लीजिए 600। ये कोई कमीशन है कुछ मेंशन नहीं किया, तो नॉर्मल कमीशन मानी जाएगी। तो इसमें जो बैगेस होंगे अब ये कंसाइनर बियर करेगा, कंसाइनी बियर नहीं करेगा। तो आपको अब शो द जनरल एंट्रीज है इनका बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड प्रिपेयर लेजर अकाउंट। तो जनरल एंट्री को सिंपल है तो मेन हम बनाते हैं कंसाइनर, कंसाइनर की बुक्स है कंसाइनमेंट अकाउंट टू रिटर्निंग बुक, ठीक है। तो आप रिकॉल कीजिए, चलो मैं जनरल एंट्री से पास करके हैं पहले लेके सी गेट वन। तो आपको बुक्स ओपन करनी है बुक्स ऑफ एक्स, तो आई एम डूइंग जर्नल एंट्रीज। तो उसके लिए आपको गेटवे चलना होता है। तो सबसे पहले देखो आपने 1 जुलाई को गुड्स भेजी है, तो July 1 व्हाट विल बी एंट्री। तो जब हम गुड्स भेजते हैं तो उसकी एंट्री है कंसाइनमेंट अकाउंट वैल्यू की, तो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट मैंने लिख दिया शॉर्ट नेम, आप पूरा भी लिख सकते हैं। ये आएगी जितनी कॉस्ट है गुड्स की जिसे जो 50,000, तो 50,000 से आप इसकी एंट्री कर लीजिए। तो क्वेश्चन मैंने इसलिए मेंशन किया है जिसके पास स्टडी मटीरियल नहीं है तो वो क्वेश्चन उनको मिल जाएगा। अकाउंट कहते कि जिसे जो 50,000 की गुड्स आपने भेजी है एंड जिसे 50,000, ठीक है। नरेशन आप मेंशन कर सकते हैं बीइंग गुड्स सेंट टू कंसाइनर। फिर आपको दिया था कि अब उसने पैकिंग के ऊपर एक्सपेंस लिया कंसाइनर ने, उसकी एंट्री क्या है दैट इज आल्सो सेम कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। दीज आर पैकिंग एक्सपेंसिव इनकर्ड बाय कंसाइनर 1,000। फिर आपको मेंशन किया था 3 जुलाई को अब कंसाइनी को गुड्स रिसीव हो गई है और उसने अपनी एक एक्सेप्टेंस भेजी है July 3, तो आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी तो इसमें वो बिल रिसीवेबल बन जाएगा। तो बिल रिसीवेबल
कंसाइनी, कंसाइनी का नाम है वाई, टू वाई अकाउंट। ये 3 मंथ्स का बिल है, 3 महीने के बाद ये ड्यू हो जाएगा, एंड अमाउंट है इसका 30 होगा। और वाई ने स्पेंड किए 2000 फ्रेट एंड 500 गोडाउन एंड 300 इंश्योरेंस। तो इसी चेक को जब वो गुड्स रिसीव कर रहा है एक्सपेंस ही जाएंगे, वो हमारे एक्सपेंस माना जाएगा। कंसाइनमेंट को आप डेबिट कीजिए, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट करिए, जो एक्सपेंसिज हैं ये आपने पे करने हैं वाई को, टू वाई अकाउंट क्योंकि उसने पे किए हैं। तो टोटल एक्सपेंसिज का अमाउंट आपका बन रहा है 2000 फ्रेट है प्लस 500 प्लस 300, 2800 आ रहे एक्सपेंसिज। फिर 31 दिसंबर को उसने अकाउंट सेल भेजा, जिससे आपको पता लग गया सेल हो गई है। अब देखो पहले आपकी जो बिल रिसीवेबल था इसके 3 महीने की डेट है, तो इसकी आपको पेमेंट मिल जाएगी पहले, उसकी एंट्री करके हैं। तो कुछ मेंशन नहीं किया है, इतनी ये ड्यू डेट पे बिल मैच हो जाएगा, इसके लिए आपको मिल जाएगा कैश या बैंक के थ्रू। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट को कितना अमाउंट है 30,000 आपको रिसीव हो जाएगा। ये एंट्री इसमें आप ऐड करो 3 महीने, अगस्त सितंबर अक्टूबर, और उसमें 3 दिन ग्रेस के ऐड होते हैं, जैसे कि अक्टूबर 6 वो एंट्री हो जाएगी। अब उसने सेल्स रिकॉर्ड कर दी है, सेल्स की एंट्री है कंसाइनी से आपके पैसे ड्यू हो गए हैं। तो कंसाइनी उसका नाम है वाई अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। सेल्स तो आपको मेंशन किया था 4/5 गुड्स हमारी सेल हो गई है 55,000 रुपीज पे। अब इसके ऊपर हमने उसको कमीशन पे करनी है। तो सेल कब होगी आपको पता लगे 31 दिसंबर को, तो दिस एंट्री विल बी ऑन 31st दिसंबर। अब आपने कमीशन पे करनी है कंसाइनी को, इट मीन्स कंसाइनी और ये आपका एक्सपेंस माना जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड, उसको डेबिट कीजिए और कर दीजिए क्रेडिट टू कंसाइनी। कंसाइनी का नाम है वाई अकाउंट, राइट। उसको आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कमीशन, कमीशन इज गिवन टू बी किसी नॉर्मल कमीशन एंड जैसे 10%, जिसे 10% हम लेंगे सेल का 5500। तो नेक्स्ट रखते हैं, अब आपके कोई बैचेस हो गए हैं, अब हमने नॉर्मल कमीशन की है तो बैचेस हमारा एक्सपेंस माना जाएगा, तो उसको भी आप डेबिट कीजिए कंसाइनमेंट में। तो उसका अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा कंसाइनी को टू वाई अकाउंट। वी आर बैक डेट्स हाउ मच ये दिस अमाउंट 600। अब रहता है आपका क्लोजिंग स्टोर, अब उसकी पहले करेंगे वैल्यू कैलकुलेट और उसकी डाल देंगे फिर एंट्री, दिसंबर 31st को ही होगी। तो आप पोस्ट करके राइट डाउन कर सकते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री है कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट एक तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट है, उसमें आपका क्रेडिट हो जाएगा। इसी के क्लोजिंग स्टॉक, तो हाउ वी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, हमने डिस्कस किया था पहले कॉस्ट आएगी, कॉस्ट प्राइस। देखो हमने गुड्स भेजे के कॉस्ट थी 50,000, तो उसमें देखो कितनी गुड्स रह गई हैं, तो 1/5 रह गई हैं आपकी 10,000। फिर आपने ऐड करनी है उसमें कंसाइनर के एक्सपेंसेस, कंसाइनर एक्सपेंसेस
कंसाइनर के सारे 11 कॉपी हैं, कंसाइनर ने इनकर किए थे 1000 पैकिंग के एक्सपेंसिव, 1000 उसका भी आप कर लीजिए 1/5, 200। फिर आपने लेने हैं कंसाइनी के 11 एक्सपेंसिव, कंसाइनी 11 एक्सपेंसिव, और ये भी हम लेंगे 1/5। कंसाइनी के देखो, एक को आपने पे किया था उसने, जिस बाकी 2000 फ्रेट है और कार्टेज, फिर 500 गोडाउन का रेंट, तो सिर्फ फ्रेट आएगा, ये 11 एक्सपेंस है 2000 इनटू 1/5, जैसे ये 400। तो इस तरीके से टोटल वैल्यू आ गई आपकी 10,600, 10,600 आपकी वैल्यू है। अब बनाते हैं लेजर अकाउंट कंसाइनर की बुक्स में, 10,600 स्टॉक की वैल्यू आ गई आपकी। तो किसी जबर कंसाइनमेंट टू अकाउंट, तो इससे प्रॉफिट आपका डिटरमिन हो जाएगा। देखो फर्स्ट आइटम क्या है, टू गुड्स साइन कौन हो कंसाइनमेंट, कितने की गुड्स थी 50,000 की। फिर थे कंसाइनर के एक्सपेंसिव, टू कैश आप लिख सकते हो, कौन सा एक्सपेंस है आपका फ्रेट 1000, कैश वाला होता है कंसाइनर ने पे किया है। फिर था कंसाइनी ने एक्सपेंसिव इनकर किए, टू वाई, इसमें सारे एक्सपेंसिव क्या हो चुके हैं आप कंबाइन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो वो हमने कैलकुलेट किए थे। तो जिस बाग 2000 प्लस 500 प्लस 300 28,000, फिर उसने एडवांस लिया हमें, उसकी एंट्री उसकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी कंसाइनमेंट में, वो पर्सनल अकाउंट के। फिर उसने की सेल बाय वाई, जिसे जो सेल 55,000 की सेल हो रही है आपकी, राइट 55। फिर उसके ऊपर आपने कमीशन देनी है उसको, टू वाई, जिसमें जो कमीशन 10% की आपकी 55,000। फिर कुछ बैक गैस हो गए, उसकी भी पेमेंट आपने वाई को करनी है, टू वाई बैक गैस, क्योंकि इतने पैसे वो आपके कम करके गए गए, आपको बैक गैस हो रहे हैं हमारे 600 की। फिर आपने निकाली क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बाई, जिसका नाम है कंसाइनमेंट स्टॉक, उसकी वैल्यू है 10,600। तो बस आपकी ओपनिंग स्टॉक है नहीं, परचेज ही होती है गुड्स एंड कंसाइनमेंट, एक्सपेंसिव आ गए सारे, और सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक आपका प्रॉफिट आ जाएगा, उसको ट्रांसफर कर दीजिए, प्रॉफिट आएंगे लॉस अकाउंट में। लेकिन टोटल दिस इज 65,600, दिस इज 65,600, इसमें से कर दीजिए आप माइनस 65,600 माइनस 53,800 माइनस 55,000 माइनस 600 प्रॉफिट इज 57,000। ये किसी जो प्रॉफिट हुआ ना कंसाइन, तो ये हमने डिस्कस किया जनरल एंट्री कैसे रिकॉर्ड होते हैं कंसाइनर की बुक्स में। तो नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कंसाइनर की बुक्स में कैसे रिकॉर्डिंग होगी। थैंक यू।